हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है डॉक्टर चरणजीत कौर और हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। इसमें हम लोग यूनिट नंबर 13 के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ले रहे हैं, इनके टेबल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है मार्कर्स यूज्ड इन इम्यूनो टेक्निक्स, ठीक है? यूनिट 13 यानी कि मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ज़बरदस्ती कंफ्यूज होते हैं। इतनी ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं, कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। तो मैं आज के टॉपिक में आपको याद करने वाली चीज़ें या कुछ जगहों पर समझने वाली चीज़ों को बताऊँगी, ठीक है? शुरुआत हमारी होगी इम्यूनो टेक्निक यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस टाइप की चीज़ों में कुछ मार्कर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि या तो एंजाइम्स यूज़ होते हैं या तो फ्लोरोफोर यूज़ होते हैं। तो कौन सी टेक्निक्स हैं? जैसे एलाइसा है, रिया है, इम्यूनो हिस्टोकेमेस्ट्री है, उसके अलावा आपका फ्लो साइटोमेट्री है। इन सब में कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन से हम फ्लोरोफोर्स यूज़ करते हैं उसकी बात करेंगे। एलाइजा में यूज़ होने वाले एंजाइम्स में सबसे पहला नंबर आता है हॉर्स रेडिस परोक्सीडेज एंजाइम का। बहुत ही कॉमन एंजाइम है, कॉलोरीमेट्रिक और केमिल्यूमिनिसेंट के लिए यूज़ होता है। कॉलोरीमेट्री मतलब कलर डेवलपमेंट और केमिल्यूमिनिसेंट मतलब कि केमिकल के प्रेजेंस में होने वाला कुछ लाइट यानी ल्यूमिसेंस, कुछ लाइट जैसा उत्पन्न होना। उस कंडीशन में आपका हॉर्स रेडिस परोक्सीडेज एंजाइम यूज़ होता है, जो कि एक ल्यूमिनिसेंट सिग्नल या फिर एक कलर्ड कंपाउंड जनरेट कर देता है जब सबस्ट्रेट इसको अपना मिल जाएगा। दूसरा होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये आपका अगेन कैलोरीमेट्रिक में यूज़ होता है, कलर डेवलप करता है, केमिल्यूमिनिसेंट में यूज़ होता है, फ्लोरोसेंट डिटेक्शन मेथड्स में यूज़ होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। देन आते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये भी कैलोरीमेट्रिक में यूज़ होता है, कलरलेस सबस्ट्रेंट्स को कलर्ड प्रोडक्ट यानी ब्लू कलर के प्रोडक्ट में जनरली ये कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम अगेन कॉलोरीमेट्रिक, सब में कलर प्रोडक्ट बन रहा है, सब में कलर प्रोडक्ट बन रहा है। ये दोनों आपके ल्यूमिनिसेंट में भी यूज होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ लाइट टाइप की चीज़ें लाइट जनरेट करते हैं, ल्यूमिनिसेंट सिग्नल जनरेट करते हैं। आगे अगर हम बात करें फ्लोरोफोर की, कौन से फ्लोरोफोर होते हैं, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए फ्लोरोफोर क्या होते हैं। तो देखिए, फ्लोरोफोर होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर लाइट को यूज़ करके, कंज्यूम करके दूसरी वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं। तो एक लाइट से एक्साइटेड होके दूसरी लाइट को एमिट करने वाले फ्लोरोफोर कहलाते हैं। कई तरीके के फ्लोरोफोर्स हमारी टेक्निक्स में यूज़ होंगे, जैसे कि एक होता है फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनेट या FITC। ये आपका ग्रीन फ्लोरोफोर होता है, यानी कि आपकी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्रीन लाइट की सिग्नल दे देता है। जनरली जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, और जिस लाइट को ये एमिट करते हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, ठीक है? ये लॉन्गर हो गई, शॉर्टर हो गई। तो ब्लू लाइट को एक्साइट करने, ब्लू लाइट से एक्साइट होने के बाद ग्रीन लाइट को फ्लोरेस करते हैं। दूसरा होता है साइनिन डाइज, जैसे Cy3, Cy5। ये आपके फ्लोरोफोर बहुत डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ को एमिट करते हैं, जैसे Cy3 रेड फ्लोरेसेंस रेड ऑरेंज करता है, Cy5 फार रेड, रेड के आगे की बात कर रहे हैं। तो Cy3 रेड एंड ऑरेंज वाले रीजन में फ्लोरेसेंस देता है, Cy5 फार रेड रीजन में फ्लोरेसेंस देता है। आगे हम बात करते हैं रोडामीन की। रेड फ्लोरोफोर रोडामीन, रेड फ्लोरोफोर जो कि यूज होता है फ्लोरेसेंस में, ग्रीन कलर से या येलो कलर से एक्साइट होता है, ग्रीन या येलो से एक्साइट होके रेड फ्लोरेसेंस देता है रोडामीन। आगे आते हैं एलेक्सा फ्लोर डाई में बहुत सारी डाइज आती हैं, बहुत तरीके के रेंज में वो एक्साइट होती हैं और बहुत तरीके की वेवलेंथ को वो एमिट भी करती हैं। हम लोग आते हैं इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में आने वाले फ्लोरोफोर्स, इनकी वेवलेंथ भी देखेंगे कितने पर एक्साइट होते हैं कितने पे नहीं। देखिए, मैंने अभी जितने भी नाम लिए वो सारे यहाँ पर भी हैं। जैसे फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनेट, इसकी एक्साइटेशन मैंने आपको ब्लू रेंज में बोली थी, दिस इज 495 नैनोमीटर, और एमिशन वेवलेंथ जैसा कि मैंने आपसे कहा था लॉन्गर वेवलेंथ को करते हैं, तो ये है 519 नैनोमीटर ये एमिट करते हैं। एप्लीकेशन है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में और फ्लो साइटोमेट्री में, तीन जगह आप इसको एमिट मतलब यूज कर सकते हैं। रोडामीन की बात करते हैं तो ग्रीन फ्लोरेसेंस ये एक्साइट होने के लिए यूज़ करता है, ग्रीन वेवलेंथ यूज़ करता है, जैसे कि 490 नैनोमीटर एंड 470 नैनोमीटर ये एमिट करता है रेड फ्लोरेसेंस में। अगेन
तीनों में यूज़ हो रहा है। साइनिन डाइस यानी साई-3 550 को एक्साइटेशन के लिए यूज़ करता है एंड 570 को एमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। साई-5 650 नैनोमीटर को एक्साइटेशन के लिए यूज़ करता है और 670 नैनोमीटर ये एमिट करता है। एलेक्सा 488 फ्लोर 488 की बात करें, 495 को यूज़ करके 419 को एमिट करता है। 555 555 को यूज़ करके 565 को एमिट करता है। 647 650 एंड 665, सिंपल सी बात है। 488 495 के पास है, 555 555 है, 647 650, तो ऐसे याद रह सकता है हमको। और उससे बड़ा जो वेवलेंथ होगा वो एमिशन का होगा। टेक्सस रेड के लिए 495 है और 615 ये एमिट करता है। फाइको एरेथ्रिन कई बार आप नाम सुनते रहेंगे आगे तक, तो ये 488 वेवलेंथ यूज़ करके 578 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एमिट करता है। फ्लो साइटोमेट्री में यूज़ होता है। पैसिफिक ब्लू 409 को यूज़ करके 455 यानी ब्लू रीजन में ये एमिट करता है, तो दिस इज पैसिफिक ब्लू। पैसिफिक ऑरेंज 405 यूज़ करके 551 नैनोमीटर को करता है, ऑरेंज रीजन में ये एमिट करता है, इसलिए ये हो गया ऑरेंज। डाई लाइट 488 493 518 550 562 576 एंड डाई लाइट 647 650 एंड 672, ठीक है। ये सारे हो गए कि ये कहाँ यूज़ होते हैं और किस तरीके से ये एमिट होते हैं, किस वेवलेंथ को यूज़ करते हैं एक्साइट होने के लिए। दूसरा, अब हम आते हैं फ्लो साइटोमेट्री, क्योंकि यहाँ फ्लो साइटोमेट्री की बात हो रही थी तो इनके जो फ्लोरोफोर्स थे उनके बारे में हमने बात कर ली। कुछ मार्कर्स और होते हैं फ्लो साइटोमेट्री में, कौन से मार्कर्स होते हैं? फ्लो साइटोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल मार्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि कई तरीके के मार्कर होते हैं, सेल सरफेस मार्कर, हम किसी पर्टिकुलर सेल को उसकी सरफेस के मार्कर्स के बेसिस पर रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सी सेल है, तो उसकी तरह से एक होता है CD11B। ये मोनोसाइट और मैक्रोफाज को रिकग्नाइज करने वाला मार्कर होता है। CD11B मोनोसाइट मैक्रोफाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। CD45RA नाइव टी सेल को मतलब एकदम नई जो आपकी टी सेल से जो स्पेशलाइज नहीं हुई है, जो उस टी सेल को आप रिकग्नाइज करने के लिए CD45RA का यूज करेंगे। CD25 एक्टिवेशन मार्कर होता है। CD69 अर्ली एक्टिवेशन मार्कर होता है टी सेल्स के लिए। CD56 नेचुरल किलर सेल्स को मार्क करता है। CD117 या सी किट मार्कर, ये स्टेम सेल्स का मार्कर होता है। CD117 या सी किट मार्कर स्टेम सेल का मार्कर होता है। CD235A या ग्लाइकोफोरिन ए एरिथ्रोसाइट का मार्कर होता है। CD31 आपके एंडोथेलियल सेल का मार्कर होता है। ये सारे हो गए आपके सेल सरफेस को रिकॉग्नाइज करने वाले मार्कर्स। आप लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा आता है इंट्रा सेलुलर मार्कर। इंट्रा सेल के अंदर प्रेजेंट ऐसे यूनिक चीज जो केवल उसी सेल के अंदर पाई जाएंगी और कहीं नहीं, इसीलिए हम उन्हीं सेल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन मार्कर्स का यूज करते हैं। जैसे FOXP3 ये आपका रेगुलेटरी टी सेल का मार्कर होता है। जो टी सेल दूसरी टी एच सेल्स को रेगुलेट करती हैं, उन सेल्स के अंदर FOXP3 प्रेजेंट होगी प्रोटीन, जो कि एक मार्कर है। फिर आता है टी बेट, ये टी एच वन का सेल का मार्कर होता है। टी बेट GATA3 ये आपका टी एच टू सेल का मार्कर होता है। रॉर गामा टी T17 का मार्कर होता है। CD107A या LAMP1 आपके साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल मार्कर होता है। साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल का मार्कर होता है LAMP1 या CD107A। ग्रेनिजाइम बी साइटोटॉक्सिक टी सेल का मार्कर है और BCL2 एवोप्टोटिक सेल्स का मार्कर होता है, ठीक है जी। ये इंट्रिंसिक मार्कर्स हो गए। अब हम बात करते हैं DNA कंटेंट के मार्कर्स को। DNA कंटेंट के मार्कर में आता है आपका BRDU यानी कि ब्रोमो डीऑक्सी यूरिडीन प्रोलिफ्रेशन का मार्कर होता है कि भाई सिंथेसिस हो रही है DNA की। EDU यानी कि 5-इथाइनाइल 2-डीऑक्सी यूरिडीन, बिल्कुल BDU के जैसा ही होता है, ये भी प्रोलिफ्रेशन मार्कर है। ये ब्रोमो डीऑक्सी यूरिडीन है, ये इथाइनाइल 2-डीऑक्सी यूरिडीन है, सब फ्लोरेसेंट मार्कर्स हैं।
फिर आते हैं इनेक्शन फाइव. इनेक्शन फाइव जो होता है अपोप्टोसिस का मार्कर होता है डीएनए के कंटेंट के लिए. जैसे कि हम अभी BCL2 की बात कर रहे थे, वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, उसका मार्कर है, वो भी एपोप्टोसिस का मार्कर है, बट ये डीएनए कंटेंट को रिकॉग्नाइज करने वाला इनेक्शन फाइव है, एपोप्टोसिस का मार्कर है. माइटो ट्रैकर ये माइटोकॉन्ड्रिया को मार्क करता है. माइटो ट्रैकर माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर. हॉइक्स डाइज होते हैं कई प्रकार के, ये आपके डीएनए के कंटेंट को और स्टेम सेल्स को मार्क करते हैं. ठीक है जी, यहाँ हम समझ गए होंगे आपके कितने तरीके के मार्कर्स जो कि यूज़ होते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन टेक्निक्स के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से. तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर शरणजीत कौर ऑफिशियल. एंड अगर आप मैं अभी तक आपने अगर मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से मेरी ऐप का नाम है बायोलॉजिक स्टडीज, इस ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. एंड इस कंप्लीट PDF को अवेलेबल करने के लिए आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करना है, एक क्रैश कोर्स है उसको आपको परचेज करना है, एंड देन आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी इस लेक्चर की. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, बाय बाय.